मैं 5:30 बजे आया, मैंने आवाज़ लगाई बाहर खड़े होकर, इसका नाम लगा इरफान हफीज जी, आवाज़ नहीं आई कोई, तो मैं कहा कभी नहाने जा रहा हो। मैं फिर वहाँ गया, यहाँ भी नहीं चमके, मुझे फिर जाकर मैंने आवाज़ लगाई 2-3, तो मुझे अंदर से पानी से खिंडा पाया, मैंने ये खून की टॉर्च बाली, उस तक देखा तो देखा खून निकल रहे, या अभी जी वाइफ है जो ये पड़ी थी, तो देखा मैंने सिर फूट रहा है, इसका खून निकल रहा है। फिर मैंने देखा ऊपर आग लाइट मार के अभी जी पड़े, उनका भी खून निकल रहा था, तो मैं घबरा गया, मैं बाहर आ गया, फिर मैंने गांव वालों को उठाया। अच्छा, ये इतनी बात। कब से रह रहे थे मस्जिद में ये? काफ़ी कोई 4 साल से। अच्छा, किसी कोई आपसे दुश्मनी थी? कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी। किस चीज़ से मार रखा, कुछ पता चला हो? नहीं जी, मैंने देखा, देखो जी मैंने कह दूँ, मैं घबरा गया, क्या चीज़ लग रही थी क्या नहीं, मैं घबरा। मस्जिद के अंदर दोनों मरे मिले? हाँ जी, अंदर दोनों। पति पत्नी थे? हाँ, पति पत्नी थे जी, क्वाड़ खुल रहे थे, बाहर गए अंदर गए, पर्दा लग रहा था, मैंने पर्दा हटा के देखा, जब देखा बच्चे भी इनके पास? नहीं जी, कोई बच्चे नहीं, साल भर भी नहीं हुआ जी पूरा, अभी तो इनकी शादी हुई हुआ था। देखिए आज सुबह ही पुलिस को यहाँ पे डबल मर्डर की सूचना मिली थी, यहाँ मस्जिद के नज़दीक एक घर में दो इरफान और याशमी नाम के दो व्यक्तियों का मर्डर हुआ है। मौके पे हमारी FSL की टीम आ गई थी, हमने मौके से FSL की टीम से सारे एविडेंसेस कलेक्ट करवा लिए थे, और अभी जो डेड बॉडीज़ हमको लेके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम करवाने के बाद और साथ के साथ हमारी जो कार्रवाई है कुछ अभी जारी है। सर, किस चीज़ से हत्या की गई है? हत्या अभी जो प्राइमरी पे सही लग रहा है वो यही है कि कुछ ब्लंट और शार्प दोनों चोटें हैं, बाकी सारी की सारी बात पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी। सर, ये इमाम था क्या, ये इरफान था जो ये मस्जिद का? देखिए मस्जिद में यहीं पे इमाम के तौर पे ही काम कर रहे थे, इनकी हत्या की।